नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ओपी पॉइजनिंग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और उसके जो क्लिनिकल फीचर्स है उसके बारे में देखा था, और आज का जो वीडियो है इसमें हम ये जो ओपी पॉइजनिंग है इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो देखने। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसे आप पहले ही लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम ओपी पॉइजनिंग का डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें जो चीज़ रहती है वो रहती है हिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जो पेशेंट के रिलेटिव्स है वो जो पॉइजन पेशेंट ने लिया है उसका डब्बा लेके आते हैं, और इससे ही हमें आइडिया लग जाती है कि पेशेंट ने ओपी पॉइजन लिया है। तो दोस्तों, ये जो हिस्ट्री है इसमें हमें जो एग्जैक्ट जो पेस्टिसाइड पेशेंट ने लिया है वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि दो तीन पेस्टिसाइड का कॉम्बिनेशन भी पेशेंट ले लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें केरोसिन भी ऐड किया हुआ रहता है, और केरोसिन भी अगर पेशेंट ने इंजेस्ट किया है तो उसे केमिकल निमोनाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर हमारे पास पेशेंट आया तो एग्जैक्ट कौन सा पॉइजन उसने लिया है वो हमें अगर पता चला तो हमें पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है टॉक्सिड्रोम, मतलब पेशेंट में कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमें दिख रहे हैं उससे भी हमें आइडिया आती है कि पेशेंट को कौन सा पॉइजनिंग हुआ है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में ही हमने देखा था कि ये जो ओपी पॉइजनिंग है इसमें जो टॉक्सिड्रोम दिखता है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है डम्बेल्स। तो दोस्तों, जो मैंने पहला जो वीडियो ओपी पॉइजनिंग के बारे में बनाया है इसमें मैंने ये डम्बेल्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। तीसरा इसमें जो चीज़ है वो है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एक पिक्यूलियर टाइप का जो बास है वो पेशेंट से हमें आता है, और वो जो बास है वो रहता है पंजेंट और गार्लिक लाइक। और ये जो पेशेंट जब सांस ले रहा है तो वो सांस में से जब एक टिपिकल एक बास आती है, और जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो गैस्ट्रिक लवर से बाहर आते हैं उसमें भी ये टिपिकल बास आती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो ऑर्डर है इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं। फिर कभी कभी अगर हमें कन्फ्यूजन है तो हम रिस्पॉन्स टू एट्रोपिन भी देख सकते हैं। अगर एट्रोपिन देने के बाद जो पेशेंट का ब्रैडीकार्डिया है या उसके जो सिम्टम्स हैं वो अगर इम्प्रूव हो रहे हैं, उसका जो पिन पॉइंट प्यूपिल्स है वो भी अगर इम्प्रूव हो रहे हैं, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को ओपी पॉइजनिंग हुआ है। और अब जो हम देखने वाले हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो ओपी पॉइजनिंग में करते हैं, वो है आइदर प्लाज्मा या फिर आरबीसी कोलिनिस्टरेज। तो दोस्तों, हम कॉमनली प्लाज्मा कोलिनिस्टरेज ही करते हैं। तो जब ये जो प्लाज्मा कोलिनिस्टरेज के जो नॉर्मल लेवल है वो अगर 25% से अगर कम हो जाए तो ये जो है ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बन जाता है। अगर ये जो लेवल है ये 80-90% तक कम हो जाएगी तो हम उसे मॉडरेट पॉइजनिंग कहते हैं, और ये लेवल अगर 90% से भी ज़्यादा कम हो गई तो हम इसे सीवियर पॉइजनिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये जो प्लाज्मा कोलिनिस्टरेज लेवल है ये बहुत बार क्या होता है कि इसमें डिलेड डिप्रेशन होता है, मतलब जब हम पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन भेजते हैं तो ये प्लाज्मा कोलिनिस्टरेज लेवल उसमें नॉर्मल आ सकती है, क्योंकि बहुत बार ये जो लेवल है ये बहुत लेट उसमें हमें कमतरता दिखती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि बहुत ऐसे जो पेशेंट्स है उसमें ऑलरेडी ही ये लेवल कम रहती है। तो कौन से ऐसे पेशेंट रहते हैं, जैसे अल्कोहलिक पेशेंट है या जिन्हें हिपेटाइटिस है या फिर सिरोसिस लीवर है, ऐसे जो पेशेंट्स है इसमें ऑलरेडी ये जो लेवल है वो डिप्रेस्ड रहती है। और ये जो लेवल है ये हमें मॉनिटरिंग के लिए भी हेल्प करती है, मतलब जैसे जैसे हम पेशेंट की मैनेजमेंट करते हैं तो वो पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम ये कोलिनिस्टरेज के लेवल से भी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर जो अदर इन्वेस्टिगेशंस ओपी पॉइजनिंग के पेशेंट में किए जाते हैं वो रहते हैं कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और ब्लड ग्लूकोज। इसके साथ साथ हमें एक्सरे टेस्ट भी करने का काम पड़ता है, क्योंकि बहुत बार जो पेशेंट है वो एस्पिरेशन निमोनिया लेके आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक्सरे टेस्ट करना पड़ता है। और अगर पेशेंट में कुछ अरिथमियाज है या फिर कुछ हार्ट ब्लॉक्स आए हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें ईसीजी भी करना पड़ सकता है।
तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम ओपी पॉइजनिंग का जो पेशेंट है उसका डायग्नोसिस करते हैं और अब हम देखेंगे कि ये जो पेशेंट है इसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो दोस्तों जब हम ओपी पॉइजन का मैनेजमेंट करते हैं तो हमें जो जनरल प्रिंसिपल्स है पॉइजनिंग के मैनेजमेंट के वही फॉलो करना है। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉइजनिंग मैनेजमेंट है उसके हिसाब से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट में रीससिटेशन करते हैं और ये रीससिटेशन करते वक्त हम जो चीज़ फॉलो करते हैं वो है ए बी सी डी ई अप्रोच। तो दोस्तों अब ये जो ओपी पॉइजनिंग के पेशेंट्स है ये बहुत बार अनकॉन्शियस कंडीशन में आते हैं, बहुत बार कुछ एस्पिरेट करके आते हैं, इसलिए हमें उनमें रीससिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है और ये जो पेशेंट है ये बहुत बार शॉक में भी आते हैं। तो दोस्तों इसीलिए सबसे पहले ये जो पेशेंट है उसमें हम क्या करेंगे कि इनका अच्छे से रीससिटेशन करेंगे ए बी सी डी ई जो अप्रोच है वो फॉलो करते हुए। और दोस्तों अब ये जो पेशेंट जब हमारे पास आता है और इसका हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो रीससिटेशन के भी पहले हमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट जो फॉलो करनी है वो ये है कि हमें उसे फर्स्ट डोज ऑफ एट्रोपिन जो है वो दे देना है और साथ में रीससिटेशन करते वक्त हमें पेशेंट में यूरिनरी कैथेटर भी डालना है क्योंकि ये जो पेशेंट है इनमें हम एट्रोपिन देने वाले हैं और जब हम पेशेंट को एट्रोपिन देते हैं तो यूरिनरी रिटेंशन होता ही है, इसलिए ये जो पेशेंट्स है इन्हें हमें याद से यूरिनरी कैथेटर डालना है। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें खुद की सेफ्टी देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये जो ओपी पॉइजन है ये एक लिपिड सॉल्युबल पॉइजन है और पेशेंट की मैनेजमेंट करते वक्त ये हमें भी हो सकता है, इसलिए हमें प्रॉपर ग्लव्स पहनना चाहिए, गाउन पहनना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो मास्क भी पहनना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार रीससिटेशन करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो है डीकंटेमिनेशन। डीकंटेमिनेशन मतलब जो पॉइजन पेशेंट में अभी एब्सॉर्ब नहीं हुआ है वो हमें रिमूव करना है। बहुत बार पेशेंट के जो बाल है उस पर पॉइजन गिरा हुआ रहता है, उसके कपड़े में पॉइजन गिरा हुआ रहता है, तो हमें पेशेंट के जो ऐसे कंटेमिनेटेड क्लोथ्स है वो रिमूव करना है। फिर हमें पेशेंट को अच्छे से वाटर और सोप से वॉश देना है, उसकी जो स्किन है अगर उस पर कुछ पॉइजन गिरा है तो हमें वो वॉश करनी है, उसके जो बाल है सिर के वो भी वॉश करना है और अगर आँखों पे वो पॉइजन गिरा है, आँखों में वो पॉइजन गया है तो आँखें भी अच्छे से हमें उसको पानी से वॉश करनी है। फिर हमें पेशेंट में देना है गैस्ट्रिक लवाज। अगर पेशेंट हमारे पास विद इन 2 आवर्स आया है तो गैस्ट्रिक लवाज का पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है। इसमें हम राइल्स ट्यूब डाल के उसमें से पेशेंट को सलाइन वॉश देते हैं और जो भी पॉइजन उसके स्टमक में है वो निकलने की कोशिश करते हैं। फिर साथ में हम उसे एक्टिवेटेड चारकोल भी दे सकते हैं जिसका डोज रहता है 1 ग्राम पर kg और मैक्सिमम हम 50 ग्राम तक ये एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं जिसके कारण वो जो पॉइजन है वो उस पर एड्सॉर्ब हो जाता है। दोस्तों इसमें हमें याद रखना है कि हमें ये जो पेशेंट्स है इसमें कैथार्टिक्स नहीं देना है और हमें इंड्यूस्ड एमएसिस भी नहीं करना है, मतलब उसको उल्टी नहीं करवाना है क्योंकि ये जो पेशेंट है ये बहुत बार सेमी कॉन्शियस रहते हैं या फिर ये पेशेंट जो है साथ में केरोसिन भी इंजेस्ट करके आ सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हमने अगर एमएसिस इंड्यूस किया तो वो पेशेंट को केमिकल निमोनाइटिस भी हो सकता है। और दोस्तों जब भी हम पेशेंट को गैस्ट्रिक लवाज देते हैं तो वो भी हमें ध्यान से देना चाहिए क्योंकि ये जो पेशेंट्स है सेमी कॉन्शियस होने के कारण ये जो गैस्ट्रिक लवाज है इसमें एस्पिरेशन के भी चांसेस रह सकते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। और पेशेंट अगर प्रॉपरली इंट्यूबेटेड है, उसका एयरवे अगर प्रॉपरली सिक्योर है तो फिर हमें गैस्ट्रिक लवाज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो चीज़ हमें इसमें ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ओपी पॉइजनिंग की और वो है यूज़ ऑफ एंटीडोट्स। तो दोस्तों इसमें हम 2 प्रकार के एंटीडोट्स यूज़ करते हैं, एक है एट्रोपिन और दूसरा है प्रेलिडॉक्सेम। तो अब हम पहले देखते हैं कि एट्रोपिन कैसे काम करता है। तो अब ये जो एट्रोपिन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि ये
एसिटाइल कोलिन के साथ कंपटीशन करता है, और किसके लिए कंपटीशन करता है, मस्कारिनिक रिसेप्टर्स के लिए कंपटीशन करता है। एसिटाइल कोलिन जो है वो मस्कारिनिक रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करता है, और एट्रोपिन जो है वो मस्कारिनिक रिसेप्टर्स को जाके वहाँ पे उसे ब्लॉक कर देता है। क्योंकि एट्रोपिन जो है ये एसिटाइल कोलिन का कॉम्पिटिटर है, इसलिए जो एट्रोपिन है वो मस्कारिनिक रिसेप्टर्स पे जाके वहाँ पे उसको पकड़ लेता है, और उसके बाद फिर जो एसिटाइल कोलिन है वो मस्कारिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर सकते। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और ये जो एट्रोपिन है इसका निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे कुछ भी असर नहीं होता है, इसलिए जो निकोटिनिक सिम्टम्स है जैसे फेसिकुलेशंस है या रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है, इस पर जो है वो एट्रोपिन का इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डोज है वो ऑन डायग्नोसिस ही दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा डायग्नोसिस हो जाएगा तो हम फर्स्ट डोज ऑफ एट्रोपिन पेशेंट को दे देंगे। तो ये डोज कितना रहता है, उसका डोज जो है वो है 1.823 मिलीग्राम। हमें पेशेंट को आईवी देना है, बोलस देना है, और ये देने के बाद हमें पेशेंट में पांच चीज़ें जो है वो मॉनिटर करनी है। वो क्या है, सबसे पहला है मियोसिस, मतलब उसके जो प्यूपिल की साइज़ है वो हमें देखनी है। फिर हमें देखना है ब्रैडीकार्डिया है क्या, उसका जो हार्ट रेट है वो मॉनिटर करना है। फिर एयर एंट्री, प्रॉपर उसमें एयर एंट्री है कि नहीं, क्योंकि ओपी पॉइजनिंग में ब्रोंकोस्पाज्म होता है, ब्रोंकोरिया होता है, और जो एयर एंट्री है या जो चेस्ट है वो क्लियर नहीं रहती है, तो वो भी हमें देखना है। फिर हमें देखना है कि इंक्रीज्ड स्वेटिंग हो रहा है क्या, और बाद में हमें देखना है कि हाइपोटेंशन, मतलब पेशेंट का बीपी जो है वो कैसा है। अगर ये पांचों जो पैरामीटर्स है इनमें एक साथ अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, अगर 5 मिनट में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो ये जो हमने पहले जो भी डोज दिया है उसका डबल करके हमें एट्रोपिन का डोज देना है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 3 मिलीग्राम दिया, तो फिर अभी हमें उसे 6 मिलीग्राम डोज देना है, और फिर से ये जो पांच चीज़ें हैं ये मॉनिटर करना है। और ये हमें कब तक करना है, दैट यू हैव टू कंटिन्यू टू डबल द डोज एवरी 5 मिनट। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ अगले 5 मिनट में, तो फिर से हमें डबल डोज देना है। मतलब यहाँ पे हमने 3 मिलीग्राम दिया, फिर यहाँ पे 6 दिया, फिर हमें 6 का डबल मतलब 12 मिलीग्राम देना है। ऐसा हमें आगे करते करते जाना है, और कब तक करना है, जब तक हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो जाता। तो वो टारगेट क्या है कि मियोसिस नहीं होना चाहिए, मतलब जो पेशेंट के जो प्यूपिल्स है वो पिन पॉइंट नहीं होने चाहिए। इसमें यह नहीं कहा गया है कि वो फुल्ली डायलेटेड होने चाहिए, वो पिन पॉइंट नहीं होने चाहिए, मतलब उससे थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। हार्ट रेट जो है वो 80 के ऊपर आना चाहिए, 80 के ऊपर आना चाहिए। उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 के ऊपर आना चाहिए। उसके जो एक्सिले है वो बगले जो है वो ड्राई होने चाहिए, मतलब उसमें स्वेटिंग नहीं होना चाहिए, और साथ में जो एयर एंट्री है बायलैटरल वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ये जो है ये हमारे टारगेट पॉइंट्स है, ये जब हम अचीव हो जाते हैं तो हम ये जो इनिशियल डोज है उसे स्टॉप कर देते हैं, और फिर बाद में हम पेशेंट को मेंटेनेंस डोज देते हैं। तो मेंटेनेंस डोज कितना रहता है, जो भी हमने इनिशियल डोज जितना भी यूज़ किया है उसका 10-20% पर आवर ये रेट से हमें पेशेंट को इन्फ्यूजन लगाना पड़ता है। तो दोस्तों अब ये जो हम पेशेंट को एट्रोपिन देते हैं तो हमें एट्रोपिन टॉक्सिसिटी की तरफ भी ध्यान रखना है। और ये जो एट्रोपिन हम जब देते हैं तो फिर हमें 2-5 दिन तक उसे देना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम उसे टेपर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब एट्रोपिन के बाद जो नेक्स्ट एंटीडोट है वो है प्रेलिडॉक्साइन। तो प्रेलिडॉक्साइन क्या करता है कि जो कोलिन इस्टरेज है उसे रीएक्टिवेट करता है। ओपी पॉइजन क्या करता है कि जो कोलिनस्टेरेज है उनकी जो एक्शन है उसे इनहिबिट कर देता है, तो प्रेलिडॉक्साइन क्या करता है उन्हें रीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन कब, इफ़ गिवन बिफोर एजिंग, मतलब एजिंग होने के पहले अगर हमने ये दिया तो वो अच्छा सा काम कर सकता है। तो ये जो एजिंग है इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर जाके आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अब ये जो प्रेलिडॉक्साइन है ये दोनों रिसेप्टर्स पे इसका इफेक्ट होता है, मतलब मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों के जो सिम्टम्स है वो इसके बाद इम्प्रूव हो जाते हैं। इसका जो डोज है वो है 30 मिलीग्राम पर केजी, मतलब मैक्सिमम 2 ग्राम तक भी हम दे सकते हैं। ये है इसका लोडिंग डोज 30 मिलीग्राम पर केजी ओवर 30 मिनट्स।
30 मिनट में हमें ये जो डोज है उसे देना है, और फिर हमें उसको मेंटेनेंस डोज देना है, वो है 8 मिलीग्राम पर केजी पर आवर। ये डोज में हमें उसे मेंटेनेंस डोज देना है। तो दोस्तों, अब ये जो प्रेलिडॉक्सेम है, ये हम कार्बामेट जो पॉइजन है उसमें नहीं देते हैं, क्योंकि जो कार्बामेट पॉइजनिंग है उसमें इंटरमीडिएट सिंड्रोम नहीं होता है, और कार्बामेट पॉइजनिंग के साथ अगर हमने ये ड्रग दिया तो उसमें बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, तो कार्बामेट्स में ये जो ड्रग है हम अवॉइड करते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ सपोर्टिव जो ड्रग्स है वो भी हमें काम में लेना पड़ सकता है। जैसे कभी कभी अगर पेशेंट को केमिकल निमोनाइटिस हो गया है तो हमको उसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। अगर कोई कारण से पल्मोनरी एडिमा हो गया है, एट्रोपिन टॉक्सिसिटी में पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, तो ये पेशेंट में हमें फिर डायुरेटिक्स देने पड़ते हैं। पेशेंट को अगर कुछ निमोनिया हो गया तो हमको उसे एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं। पेशेंट को इसमें बहुत बार सीजर्स भी आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें उसे एंटी कन्वल्सेंट्स जो ड्रग है, मेनली बेंजोडाइजेपिन्स जो है, वो देने पड़ते हैं। पेशेंट को अरिदमियाज भी आते हैं तो हमको एंटी अरिदमिक्स ड्रग्स भी देने हैं, और हमें पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है। ये जो ओपी पॉइजनिंग है उसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, तो हमें पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी डालना पड़ सकता है। खासकर इंटरमीडिएट सिंड्रोम जो है उसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन ही रहती है। फिर पेशेंट को हमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी भी देना है, और ख़ासकर जो डिलेड न्यूरोपैथी है उसमें हमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दोस्तों, इस प्रकार ये जो ओपी पॉइजनिंग का पेशेंट है, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये आज के वीडियो में हमने देखा। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।